इस्लाम का पहला रुकन क्या है? नमाज है। नमाज दिन और रात में पांच नमाजों का पढ़ना। एक तो है पांच नमाजें फर्ज है, इसका मानना यह भी जरूरी है, और फिर उसके बाद उसे पढ़ना यह भी जरूरी है। सिर्फ मान लेने से ठीक है, मुसलमान तो हो गया, मगर उसे उसके वक्त पर अदा करना यह भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है। इसीलिए हजरत उमर फरमाया करते थे, इन मिन अहम उमूरिकुम अस्सला, कि तुम्हारे कामों में सबसे अहम तरीन काम क्या है? नमाज है। कुरान करीम ने हजरत सहाबा का वस्व बयान किया कि तुम जिनको आइडियल बना सकते हो ईमान के बाब में, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत नसीब हुई, जिन्हें नसीब हुई, वो सहाबा है। वो कैसे लोग हैं? कहा कि वो ऐसे लोग हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि बिजनेस और बेचना और खरीदना और दुनिया उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। इसीलिए हजरत सहाबा के बारे में आता है कि अजान होने से पहले उनकी मस्जिदें फूल हो जाती थी, अजान के बाद जो मस्जिद में आता था उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था सहाबा के यहाँ पर। तो कहा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया तो इंसान के लिए मामूली चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के लिए क्या है? आखिरत है। और उस आखिरत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नमाज है। का अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आप पढ़ा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी अमल में कैसे भी काम में मशगूल हो, सबको छोड़कर आपको किसके लिए जाना है? नमाज के लिए जाना है। कहा दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करना, ये ईमान का, इस्लाम और ईमान का, इस्लाम का रुकन है।